समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। जबलपुर के हनुमानताल थाना पुलिस ने माह की एक तारीख को क्षेत्र के निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों को बुलाकर कराई गुंडा परेड। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है, जिसके चलते 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर जिले के तमाम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के थानों में भी क्षेत्र के निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों को प्रत्येक माह की एक तारीख को थाने में उपस्थित कराया जाता है और उनको समझाइश दी जाती है, ताकि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे और किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति निर्मित न करे, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसी के चलते आज 1 दिसंबर को थाना हनुमानताल क्षेत्र के निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों को भी थाने में उपस्थित कराया गया और उन्हें समझाइश दी गई। आ रहे जी सर, ये गुंडा बदमाश जो अपराध पकड़े गए हैं, क्या पूरा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर प्रत्येक हर माह की एक तारीख को क्षेत्र के जो निगरानी और गुंडा बदमाश हैं उनकी थाना पर परेड कराई जाती है और उनको थाने पर बुलाकर उनका डोजियर भरा जाता है, उनसे जानकारी एकत्रित की जाती है, साथ ही उनको आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने की समझाइश दी जाती है और ये कार्यवाही प्रत्येक माह की एक तारीख को संपादित की जाती है। सर फिर भी कितने होंगे लगभग अपने यहाँ क्षेत्र के? ये थाना हनुमानताल में करीब 100 के आसपास गुंडा और निगरानी बदमाश हैं, जिनमें से करीब 30 गुंडा निगरानी बदमाश थाने पर उपस्थित हुए आज। ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।